चलो शुरू करो. ओके, बस ये शुरू से मेरा बचपन से ही ख्वाब है कि मुझे इसी फील्ड में आगे जाना है, बहुत ज्यादा आगे जाना है. कैसे पता चला कि तुम ये फील्ड चूज करोगी? कौन था तुम्हारे इर्द गिर्द? मेरे इर्द गिर्द बस बहुत लेट स्टार्ट किया है. हाँ. फिर भी 8 साल से मैं काम कर रही हूँ. हाँ. शादी के बाद मैंने काम स्टार्ट किया है. हाँ. और 8 साल से कर रही हूँ. और बस स्टेप बाय स्टेप. जरूरत थी या खास जरूरत था? थी. अच्छा. फाइनेंशियल इश्यूज थे. अच्छा. आफ्टर मैरिज तो फिर स्टार्ट किया, फिर शौक जो है वो जरूरत बन गया, और फिर करते 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 बस आगे चलती गई. और फिर और आगे जाना है अब. और ये है कि अभी फिलहाल सैलून वगैरह रेंट पे है, तो वो अपना करना है सैलून. अच्छा, अभी कहीं जॉब करती हो? नहीं नहीं, होम बेस्ड है मेरा, घर पे ही करती हूँ. तुम्हारे हस्बैंड क्या करते हैं? मेरे हस्बैंड जॉब करते हैं. आपके हस्बैंड? और कितने बच्चे हैं आपके? दो बेटे हैं. दो बेटे हैं. हाँ, क्या है तुम्हारा, अपनी जिंदगी को लेके तुमने करना क्या है? अपनी जिंदगी को लेके मुझे यही है कि आगे बढ़ना है, अपना नाम बनाना है, अपनी पहचान बनाना है. और अगर इंशाल्लाह तुम्हारा सैलून होगा तो तुम उसका नाम क्या रखोगी? ब्यूटी विद ऐश बाय आयशा खानम. ब्यूटी विद ऐश, ओहो, आयशा खानम. अभी तक ब्रांडिंग यही है. आयशा खानम की ये है छोटी सी कहानी. आइए चलते हैं अनमोल आजम. अनमोल आजम तो मुझे देखने में बड़ी छोटी सी लग रही है. अब बताते हैं अनमोल, प्लीज बताओ मेंटर्स को भी और पब्लिक को भी कि तुम्हारी क्या है, तुम्हारे ख्वाब क्या है. पहले मतलब छोटी थी, उसके बाद जो है बाबा का इंतकाल हो गया. अच्छा. फिर मम्मा ने जो है सैलून शुरू किया. उसके बाद जो है मतलब ज़रूरत बन गई थी. फिर उसके बाद मम्मा ने शुरू किया. और मतलब कितने बहन भाई तुम्हारे? तीन बहन है. तीन भाई भी नहीं है. छोटी मतलब एक बड़ी है मुझसे. अच्छा. और एक छोटी है. अच्छा. तो उसके बाद जो है मम्मा ने शौक शौक में थोड़ा शुरू किया. उसके बाद जो है ज़रूरत बन गई कि जाहिर सी बात है फादर के बिना जो है काम करना. फिर उसके बाद जो है अब जाहिर सी बात है उन्होंने हमारे को भी इस काबिल कर दिया कि हम काम करें. अम्मी अपने साथ ही सैलून में तुम्हें लगवा लिया था, छोटी सी थी जब. मम्मा ने हम लोग को कभी नहीं बोला कि काम करो. जाहिर सी बात है मम्मा सामने बैठे हुए होते, वो हम लोग सामने बैठे हुए होते थे तो हम लोग काम कर रहे होते, काम करते हुए देखते थे तो वो एक शौक बन गया. तो उसी को ही हम काम करते रहे करते रहे. अब इस ये हो गया है कि मतलब इसके ख्वाबों के अंदर भी ना यही आता है. ख्वाब के अंदर भी यही आता है. किसका मेकअप करी होती है ख्वाब में तुम? मतलब कभी आयशा खान का कर रहे हैं, कभी किसी का कर रहे हैं कि मतलब स्टाइलिंग वगैरह ये जो है ना मतलब दिमाग में यही चल रहा होता है 24 घंटे. अब यही है कि इंटरनेशनल लेवल पे काम करें. इंटरनेशनल लेवल पे काम करना है इंशाल्लाह तुम्हारा ये ख्वाब है? जी मेरा ख्वाब है. हाँ. और इंशाल्लाह मैं पूरा भी करूंगी इंशाल्लाह. सो बेस्ट ऑफ लक अनमोल आजम की कहानी थी. आइए चलते हैं हमारी अगली कंटेस्टेंट्स की तरफ. और अगली हमारी कंटेस्टेंट है, ये तो बड़ी दुबली पतली है, खाती पीती बिल्कुल नहीं है, इफ्रा जब्बार है. मुझे लगता है नाश्ता भी नहीं करके आई है. इफ्रा सही हो तुम? सेट हो? जी जी. क्या बिल्कुल तुम खाती पीती नहीं हो? नहीं अल्हम्दुलिल्लाह. This is Dr. Ifra Jabbar. I am a pharmacist and makeup artist. Doctor? जी. अच्छा pharmacist के आगे भी doctor लगता है? PhD हो? जी. ओए हुई अल्लाह यहाँ PhD. ये देखे ना ये हुई ना बात. PhD doctor pharmacist. मतलब क्या? Pharmacist होता है. बहुत सारे. मैं मुझे सिर्फ ये confusion हो रही है कि उसके आगे भी doctor लगता है कि नहीं. ये मुझे थोड़ा. हाँ हाँ. अच्छा. चलो बताओ अब. फार्मेसिस्ट हो तुम और तुम मेडिसिन की फील्ड में जाने के बजाय ये मर्दों की मेडिसिन है. नहीं वो भी प्रोफेशन है लेकिन 2 महीने की मेरी यूनिवर्सिटी ऑफ थी तो मम्मा ने कहा कि एटलीस्ट मेकअप अपना तो कर सको, जाके आप लर्न कर लो. हाँ. तो उस वक्त जब मैं लर्निंग स्टेज में थी तो मुझे ऐसा लगा है कि आई विल डू इट, एक मैं एक अच्छी मेकअप आर्टिस्ट बन सकती हूँ. देन उसी वक्त से क्लाइंट आ रहे थे, इस तरह पार्लर ओपन हो गया. उस तरह पार्लर ओपन हो गया. यानी कि तुमने 2 महीने की छुट्टियों में एक बच्ची ने शुरू किया कि चलो मैं कुछ करती हूँ. बस आर्ट मेरी अच्छी थी, ड्राइंग मेरी अच्छी थी शुरू से. अच्छा तो तुम करोगी क्या, तुम पार्लर खोलोगी? नहीं नहीं ओपन हो चुकी है, पार्लर ओपन हो चुकी है और मेरा प्रोफेशन पार्लर है. जी, जी. तो तुम बाकी पढ़ाई का क्या किया तुमने? कंप्लीट हो गई है वो. अच्छा, तो मेरी ऑनलाइन जॉब है वो भी चल रही है. अच्छा. वो माइंड फ्रेश करने के लिए समझे कि एक पार्लर भी ओपन हो गया. ओ भाई माइंड फ्रेश सही मेकअप कर देते हो किसी की शादी की कहीं मेकअप का वो है? ये तो फुल टाइम जॉब है. नहीं नहीं या तुम खाली माइंड फ्रेश करने के लिए फ्रेश करती हो दुल्हन को? नहीं ऐसा नहीं. एक्सपर्ट करके आप मेकअप आर्टिस्ट कैसे बन गए? ये क्या कहा जाए, अब कुछ कह नहीं सकते. नहीं लेकिन ये प्रोफेशन बदलने की कोई वजह तो? नहीं नहीं प्रोफेशन तो वो भी है मेरी लेकिन ये मुझे ऐसा लगता है कि एक गॉड गिफ्टेड कह लें, अल्लाह ताला ने खुद ही यानी कि आगे बढ़ाए हमारे. अगर किसी के अंदर होता है तो वो होता है. ओपन करने का माइंड नहीं था लेकिन आर्टिस्ट नहीं बना. इट्स अबाउट हैविंग दैट आर्ट इन देम.
तो प्रॉब्ली शी इज यू नो एन आर्टिस्ट फ्रॉम इनसाइड. उसको ज्यादा मजा आता है. थैंक यू. ओके इफ्रा, अब तुम जरा माइक आगे बढ़ाओ. आमना इरज पे. यस, आमना इरज. आमना इरज, वाह वाह वाह. पुरानी मॉडल इरज भी थी और आमना भी थी, दोनों ही थी. वाह, तो आप इतनी छोटी सी, आप कैसी इस फील्ड में आई? बस मैंने अपडेट होने के लिए थोड़ा सा पॉलर रन करने के लिए जो है वो थोड़ा सा मेकअप ट्रेनिंग ली मैंने. प्लीज थोड़ा करीब करो. ट्रेनिंग ली मैंने. तुमने ग्रूम होने के लिए अपने ऊपर मेकअप करने के लिए? मुझे जैसे कि पसंद था, इंटरेस्ट था मेकअप. कहाँ देखती थी तुम मेकअप? अम्मी करती थी, कौन करता? नहीं नहीं, कोई भी नहीं करता. घर में कोई टीवी पे ही बस इस तरीके देख देख के शौक हुआ. हाँ, बस ये कि मैंने जब ट्रेनिंग ली तो मैं काफी अच्छा करने लगी. अच्छा, फिर मैंने क्लासेस वगैरह ली और जब क्लाइंट आने लगे हमारे पास तो हमारे पास अच्छा रिस्पॉन्स आया. जी जी, घर पे खोला था, अच्छा रिस्पॉन्स आने लगा. इस तरीके से फिर हमारा पॉलर ओपन हो गया. अब मैं यहाँ ये चाहती हूँ कि यहाँ से अपग्रेड कर रही हूँ, ये पूरा खानदान के लिए. नहीं नहीं, मींस कि तुम हम करती हो. जी जी, हम लखनऊ से आए हैं, मतलब है ना, हम करके बात करती हूँ. तो तुम्हारा जो पार्लर है वो एक रूम का पार्लर तुमने खोला? जी जी, एक ही रूम में खोला. तो उसमें सिर्फ तुम यानी हम होते हैं? मींस कि मैं होती हूँ. हाँ ठीक है, लेकिन अब ये है कि अब हमने एक्सपर्ट बढ़ा लिए. हाँ, ये कि अच्छा अब हम मैं मेकअप कर लेती हूँ कि आपको मेकअप देख के भी समझ आ जाए. सही है. खाब क्या है आमना के? यहाँ से थोड़ा सा अपग्रेड होकर पॉलर रन करना चाहती हूँ. पॉलर रन करना चाहती हूँ. चलो, अभी तुम बहुत छोटी, तुम्हारे पास जिंदगी में माशाल्लाह बहुत टाइम है. सो अच्छा है. मैं तो कहती हूँ छोटी उम्र में ही लड़कियों को पता चल जाए कि उन्होंने जिंदगी में करना क्या है. दिस इज द राइट एज. है ना, आपको जब पता हो तभी आप अपने करियर में एग्जैक्टली.